मॉर्निंग गाइस, सुबह के 7 बज चुके हैं। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां से काफी अच्छा व्यू हमारे होटल से, और पूरा हिमालय आप सामने देख सकते हैं। पूरा काफी अच्छा लग रहा है मॉर्निंग में। यहाँ पर आके मुझे एक चीज़ जो है, मैंने पर्सनली फील किया कि यहाँ पर रिसोर्सेज कम है। रिसोर्सेज मतलब यह है, यहाँ पर एक तो इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं है, और लेकिन यहाँ पर आके मैं बहुत कुछ सीखा हूँ कि आदमी कम रिसोर्सेज में भी आप जो है काफ़ी अच्छी लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत कम रिसोर्सेज में जीते हैं लाइफ को। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आप सुबह अगर नहाने के लिए गर्म पानी चाहेंगे तो आपको उसका भी चार्ज पे करना पड़ेगा, एटलीस्ट 70-80 रुपीज आपको देना पड़ेगा उसके लिए। और ये चीज़ें यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। बाकी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, आप आके रह सकते हैं, और रूम भी ठीक है, रूम भी ज़्यादा मतलब काफ़ी सही रूम है, और बेड्स कम से कम हर किसी के लिए सिंगल बेड अवेलेबल है, अकेले अकेले आप सो सकते हैं। और आजकल तो वैसे भी क्या है कि COVID-19 की वजह से यहाँ पे जो टूरिस्ट है बहुत कम आ रहा है, तो आपको इजीली यहाँ पे रूम भी अवेलेबल हो जाएंगे और बेड्स भी आराम से मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, यहाँ पे इतना कोविड का एक्सपेंशन भी बिल्कुल नहीं है। चोपटा और तुंगनाथ तो हमने अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है, तो आज निकलेंगे हम कर्णप्रयाग की ओर। गाइस, आप देख पा रहे होंगे सामने पूरा हिमालय रीजन, हिमालय श्रेणी है, यहाँ पे कुछ शॉप्स भी हैं। ये जो मॉर्निंग सनराइज हो रहा है, इसको कैप्चर करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये देखिए आप, क्या बात है भाई। और ये आपका हिमालय श्रेणी है सामने चौखंबा, और चौखंबा के पीछे उधर वो जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है आपको, वो है बाराखंबा। उधर आप देख पा रहे होंगे, इधर ये बाराखंबा है। और हमारे फ्रेंड मिस्टर दीपक सोयाल अभी लगे हैं अपने काम में, फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, और टाइम लैप्स आई थिंक लगा रखा है। दीपू भाई, सही शॉट मिला कोई? यहाँ पर भी कॉफ़ी आ गई है आई थिंक। हाँ, हमारी कॉफ़ी भी आ गई है, तो कॉफ़ी पी लेते हैं। और make me blue. You, 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 you can make
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम कर्णप्रयाग में आए हैं और कर्णप्रयाग का व्यू यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। पूरा यहाँ से कर्णप्रयाग पूरा दिखता है इसका, अच्छा काफी अच्छा व्यू है। वैसे हम कर्णप्रयाग कल शाम ही आ चुके थे क्योंकि मेरे एक फ्रेंड की वेडिंग थी, तो वेडिंग अटेंड की, जस्ट हमने रूम ले लिया है। और आइए आपको मैं पहले रूम दिखा देता हूँ। ये रूम काफी अच्छा है, बहुत ज्यादा सही है, बाथरूम अटैच है। और इसके बाद यहाँ से एक लॉबी का व्यू भी है, आप आगे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा कर्णप्रयाग वाला जो रीजन है आपको अच्छे से दिखाई देगा। पूरा यहाँ से कर्णप्रयाग का ये वाला पोर्शन पूरा अच्छे से देख सकते हैं। तो गाइस चलिए थोड़ा कर्णप्रयाग को एक्सप्लोर करते हैं। कर्णप्रयाग उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में बसा एक टाउन है। हम कर्णप्रयाग को गेटवे टू बद्रीनाथ भी कह सकते हैं क्योंकि बद्रीनाथ जाने के लिए आपको कर्णप्रयाग से गुजरना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस चौराहे से लेफ्ट आप केदारनाथ की ओर जा सकते हैं और राइट रोड बद्रीनाथ की ओर जाती है। इसका कितना हो गया? कर्णप्रयाग का नाम महाभारत के पात्र कर्ण पर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कर्ण ने इस स्थान पर काफी समय भगवान सूर्य की तपस्या की थी और उसके उपरांत कर्ण को कुंडल और कवच भगवान सूर्य ने यहाँ पर दिए थे। आप देख सकते हैं सामने से जो नदी आ रही है वो अलकनंदा है और नीचे पिंडर नदी बह रही है जो कि अलकनंदा में मिल रही है। कर्णप्रयाग से 20 किलोमीटर दूर नौटी गांव पड़ता है जहां से उत्तराखंड की अद्भुत नंदा राजजात यात्रा की शुरुआत होती है। और कर्णप्रयाग पंच प्रयागों में से एक है। पिंड नदी का एक नाम कर्ण गंगा भी है जो कि कर्णप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। कर्णप्रयाग में कर्ण मंदिर भी है। यह कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने इसी स्थान पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। आप देख पा रहे होंगे कि ये पिंडर नदी है जो पिंडारी ग्लेशियर से आती है और आगे जाकर अलकनंदा मिलती है। यहाँ पर अभी इतनी बेहतरीन हवा चलती है कि बस यहाँ पर बैठे रहने का मन कर रहा है। और मैं अभी यहाँ पर एक बात दूंगा, अच्छा सा नहाऊंगा बढ़िया करके, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे बहुत बढ़िया करके।